प्रदेश के मथुरा में बीती रात रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई चपेट में नहीं आया। जब ये घटना हुई उस समय सभी सवारियां ट्रेन से उतर चुकी थी और ट्रेन को बंद कर तय स्थान पर खड़ा किया जाना था। उसी दौरान ट्रेन के ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जा चढ़ी। जानकारी के अनुसार करीब 10 बजे शटल ट्रेन नई दिल्ली से मथुरा पहुंची थी। यहां सवारियां ट्रेन से उतर चुकी थी। इसके बाद ट्रेन की शटलिंग कर खड़ा करना था। बताया जा रहा है कि चालक को ट्रेन रोकने के लिए ब्रेक लगाने थे, लेकिन एक्सीलेटर दब गया। इसके बाद ट्रेन अवरोधक को तोड़कर स्टेशन के ऊपर चढ़ गई। यह मानवीय भूल थी या टेक्निकल मिस्टेक अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना को लेकर रेलवे प्रशासन का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इंजन के हटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मथुरा रेलवे स्टेशन के निदेशक एस के श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रेन शकूर बस्ती से आ रही थी। सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। कुछ बैग इंजन के नीचे दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन निदेशक का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन कैसे चढ़ गई, घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना की वजह से अपलाइन पर कुछ ट्रेन प्रभावित हुई है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाने का काम चल रहा है। ट्रेन को हटाने के बाद अपलाइन की गाड़ियों को फिर से शुरू किया जाएगा। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। रेलवे की टीम एएमयू ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाने में जुट गई है। घटना के बाद स्टेशन पर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। रेलवे कर्मचारी व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि कोई ट्रेन की चपेट में नहीं आया, अन्यथा जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट।